हे एवरीवन, मेरा नाम है रौनक चितलिया द चाय गेमर। आज चलो मिलके सीखते हैं द 2-4 प्लेयर गो गेम ऑफ किंग डोमिनो। तो ये गेम का मोटिव ये है कि आप लोग सब लोग रॉयल्टीज से बिलोंग करते हो और आप लोग सब लोग को अपने टेरिटरीज के टाइल्स लेके आपके कासल के आजू बाजू ऐसे रखने हैं कि आपका एक बढ़िया सा किंगडम बन जाए और आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिले। जो भी प्लेयर के गेम एंड में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वो प्लेयर जीत जाएगा। तो ये गेम बहुत ही अवार्ड विनिंग गेम है, जहाँ पे उसको 2017 में स्पील द जाज एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है वो उसको मिला था 2017 में, एंड इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। सो फैमिली गेम ऑफ द ईयर उसको मिला। सेटअप में हमने क्या किया है कि गेम में उसके जो कंपोनेंट्स आते हैं वो आते हैं इसके ब्यूटीफुल ऐसे कार्डबोर्ड के कासल्स आते हैं जो आपको बनाने हैं, आपके कलर के बनाने हैं। गेम में 4 कलर्स है, इट्स अ 2-4 प्लेयर गेम। तो ऐसे 2 अच्छे से मीपल्स मिलते हैं या किंग्स या रॉयल्टी आप जो भी बोल दो वो मिलते हैं। 2 प्लेयर गेम में जब भी हम लोग खेलते हैं तभी आपको दोनों भी किंग्स लेने हैं, और अगर आप 3 या 4 प्लेयर गेम खेल रहे हो तो आपको सिर्फ एक सिंगल वाला लेना है। हर एक प्लेयर को स्टार्टिंग में एक आपके कलर का स्टार्टिंग टाइल भी मिलता है, उसके ऊपर आपको कासल उसको रख देना है। गेम में ऑल्सो ये सारे ब्यूटीफुल टाइल्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं डोमिनो टाइल्स। नाउ जो डोमिनो टाइल्स है उसमें अलग अलग टाइप के टेरिटरीज होंगे। फॉर एग्जांपल ये डोमिनो टाइल्स में 2 टेरिटरीज है, जैसे एक येलो कलर का टेरिटरी है और एक लाइट ग्रीन कलर का टेरिटरी है। कुछ डोमिनो टाइल्स में ऐसे क्राउन मार्क्स भी होंगे, और क्राउन मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एंड गेम में आपके स्कोरिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें से 48 टाइल्स आते हैं। नाउ हर एक टाइल के पीछे एक नंबर भी लिखा होता है, फ्रॉम नंबर 1 to 48। ऑल्सो आपको एक चीज करनी है, आपको सारे डोमिनो टाइल्स जो है वो अच्छे से शफल कर देने हैं। टू स्टार्ट द गेम चूज एनी प्लेयर टू बी द फर्स्ट प्लेयर। तो हमने यहाँ पे येलो प्लेयर को डिसाइड किया है दैट शी विल स्टार्ट एज द फर्स्ट प्लेयर। सो येलो प्लेयर विल इमीडिएटली टेक द फर्स्ट 4 टाइल्स और उसको हम लोग फेस डाउन रख देंगे यहाँ पे। इसमें इंपॉर्टेंस एक ये है, वो बॉक्स का इंपॉर्टेंस है। नाउ जैसे ही आप टाइल को फेस डाउन रखेंगे आपको इमीडिएटली असेंडिंग ऑर्डर में स्टार्टिंग विद द बॉक्स आपको जो छोटा वाला टाइल है उसको रखना है। जैसे ही आपने छोटा वाला टाइल रख दिया, जो भी नेक्स्ट वाला असेंडिंग ऑर्डर जो नंबर के इसमें आता है वो आपको रख देना है और आपको ऐसे अरेंज करना है। हम लोग सारा ओपन करेंगे और येलो को फर्स्ट चांस मिलेगा अपना एक किंग जो है वो चारों में से किसी एक पे रखने के लिए। तो येलो लेट्स से दैट शी डिसाइड्स राइट नाउ कि अभी के लिए ये टाइल बहुत ही बढ़िया है, तो शी कीप्स ऑन दिस राइट नाउ। टाइल का इंपॉर्टेंस क्या है, कौन से टाइल्स अच्छे हैं कौन से टाइल्स नहीं अच्छे हैं, वो आपको ये रूल के एक्सप्लेनेशन में पता चल जाएंगे और आपको स्कोरिंग में पता चलेगा कि कौन से टाइल्स आपको लेने चाहिए कौन से नहीं लेने चाहिए। आइडियली जिसके ऊपर क्राउन है वो टाइल्स ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं, बट जिसके ऊपर क्राउन नहीं है वो आपको ड्यूरिंग द गेम चूजिंग में एक आपको एडवांटेज देंगे। नाउ क्योंकि येलो का टर्न खत्म हो गया, येलो ने एक किंग असाइन कर दिया, तो नेक्स्ट प्लेयर का आता है वो है पिंक प्लेयर। जो पिंक प्लेयर है वो एक किंग रखेंगे और फिर वो येलो प्लेयर का टर्न है। अब येलो प्लेयर के टर्न में लगता है उनको वापस से ये रखना है या ये रखना है, बिकॉज उनको पता है कि उनको ऑलरेडी एक ब्लू टाइल तो मिलने वाला है। लेट्स ट्राई एंड गेट अ न्यू ब्लू टाइल। नाउ ड्यूरिंग द गेम अगर आप सेम टेरिटरी के ज्यादा जितने ज्यादा डोमिनोज इकट्ठा करेंगे आपको बेनिफिट होगा। सो आपको ट्राई करना चाहिए कि सेम टेरिटरी के ज्यादा लेने के लिए। और लास्ट प्लेयर जो है वो लास्ट वाला मीपल जो है वो उनको यहाँ पे रखना है, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है। ये एक लास्ट प्लेयर डिसएडवांटेज हो जाता है। नेक्स्ट राउंड में प्रिपरेशन से पहले आपको इमीडिएटली वापस से 4 सेम जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे निकालने हैं, एंड यस यू हैव टू अरेंज देम इन द सेम असेंडिंग ऑर्डर और फिर उसको खोलना है। नाउ दिस इज वेयर द गेम रियली एक्चुअली स्टार्ट्स। नाउ जैसे ही आपने ये कर दिया आपको मेक श्योर करना है कि जो भी बॉक्स में फर्स्ट प्लेयर जो है जो यहाँ पे उन्होंने रखा था इन द लास्ट राउंड, उनका टर्न आता है और उनको अपना जो ये वाला किंग है वो उठा के कोई भी 4 में से कोई एक का चॉइस मिलता है कि उनको कहाँ पे रखना है। नाउ बिकॉज चारों में से समझ लो कि अभी पिंक ने येलो उठा रहे हैं वो फर्स्ट राउंड में, तो उनको सेकेंड राउंड में भी येलो का मिलने का और उसमें क्राउन भी है। सो वो एक काम करेंगे, वो ये उठा के यहाँ पे रख देंगे। नाउ जैसे ही उठाए उनका टर्न अभी तक खत्म नहीं हुआ है, उनको क्या करना है कि जो टाइल से उन्होंने उठाया है वो टाइल को उठा के उनको इमीडिएटली अपने कासल के बाजू में रख देना है। ये जो डोमिनो टाइल है वो एक साइड पे कहीं पे रखनी है, ओके। सो वो कासल के बाजू में रखनी है। अभी आप उसको ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं, बट आपको स्टार्ट करना है कासल के बाजू में से। पिंक ने ये टाइल रख दिया है, उनका टर्न खत्म हो जाता है। नेक्स्ट टाइल जो है वो येलो का टर्न है। सो हम लोग यहाँ से बॉक्स से चालू करेंगे उठाना।
सो येलो का टर्न है. नाउ येलो के पास आप देखें कि ओनली देर आर थ्री ऑप्शंस लेफ्ट. सो जैसे ही उन्होंने ब्लू से उठाया, वैसे उन्होंने देखा कि यार नेक्स्ट वाला जो बेटर है वो मुझे ये वाला लग रहा है. सो लेट मी पुट द गाय हियर. सो उनको इमीडिएटली यहाँ पे जो उनका कासल है वहां पे दोनों को ब्लू को ऐसे रख देना है. नाउ इट इज येलोस टर्न अगेन, क्योंकि नेक्स्ट जो लाइन में है वो येलो का ही रॉयल्टी है. येलो को पता है कि येलो को ग्रीन पे जाना चाहिए, क्योंकि जो पिंक है उसको अभी ये टर्न तो ग्रीन मिलने वाला है, और बट उसको अगर ये ग्रीन्स में मिल जाएंगे तो उसका स्कोर मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो येलो का बेनिफिशियल ये है कि वो यहाँ पे चले जाओ. नाउ लेट मी शो यू कि ये कितना अच्छा कार्ड है. नाउ ये इतना अच्छा कार्ड है कि यहाँ पे जो है वो येलो भी है, ग्रीन भी है, प्लस यहाँ पे एक क्राउन भी है जो ग्रीन का स्कोर मल्टीप्लाई कर देगा पिंक के लिए. ओके सो इसीलिए येलो का एजेंडा होना चाहिए कि पिंक को ब्लॉक करे ज्यादा से ज्यादा स्कोर लेने के लिए. नाउ जैसे ही येलो का हो गया, वैसे येलो ने ये टाइल उठाया. नाउ अभी अगर आपके पास ऑलरेडी आपके कासल के बाजू में टाइल्स है, आपके किंगडम में टाइल्स है, तो आप नए टाइल्स कैसे कर सकते हैं, उसके आपके रूल्स हैं. कि जैसे ही अगर आप टाइल के बाजू में टाइल लगाते हैं, आपको मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट वन साइड इज मैचिंग. ओके, कोई भी एक साइड तो एटलीस्ट मैच होनी चाहिए. अगर कोई भी साइड मैच नहीं हो रही है, फॉर एग्जाम्पल समझ लो कि येलो ने ये वाला टाइल उठाया होता और ये टाइल में कोई भी साइड मैचिंग हो गई है, तो आप नहीं रख सकते उसमें. ठीक है, सो इसीलिए येलो ने ये वाला उठाया तो आप यहां पे रख सकते हैं, या फिर यहां पे भी रख सकते हैं, या फिर यहां पे भी रख सकते हैं. नाउ जब भी आप टाइल रखते हैं, तभी एक गोल्डन रूल याद रखिए गेम में, कि जो कासल का टाइल है वो एक वाइल्ड टाइल है, तो उसके बाजू में आप कोई भी कलर कैसे भी रख सकते हैं और उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर आप दूसरे एक डोमिनो टाइल के बाजू में दूसरा डोमिनो टाइल रखेंगे, तो आपको सिर्फ कोई भी एक साइड तो मैच करनी ही पड़ेगी. पूरे गेम में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका जो पूरा किंगडम है वो 5x5 के आगे नहीं जाना चाहिए. ये वाला किंगडम अभी जो छोटा किंगडम है येलो का, वो 1-2-3x2 तक अभी फैल चुका है. ठीक है, उसमें 1-2-3-4-5 और 1-2-3-4-5 के आगे उसको फैलना अलाउड नहीं है. अगर आप फैलाते हैं तो आपको जो टाइल्स है उसको डिस्कार्ड कर देनी है. ठीक है, सो ये अभी येलो का टर्न हो गया है. नाउ वापस का पिंक का टर्न, और पिंक ने ये उठाया और पिंक समझ लीजिए कि यहाँ पे रख देता. ठीक है, नाउ जैसे ही ये टर्न खत्म होता है, हम लोग वापस से चार और निकालेंगे, यहाँ पे रख देंगे, और जो भी फर्स्ट प्लेयर होगा वो जो बॉक्स है वो यहाँ पे ऐड होता जाएगा. और हम लोग ये तब तक करते जाएंगे और तब तक अपने किंगडम में डोमिनोस ऐड करते जाएंगे जब तक ये सारे जो टाइल्स है वो खत्म नहीं हो जाते. ठीक है, नाउ जैसे ही टाइल्स खत्म होते हैं वैसे गेम खत्म होता है. बट यू हैव टू रिमेंबर ऑल द रूल्स, एंड वन क्रूशियल रूल इज कि आपका 5 टाइल्स के आगे 5 टाइल्स का जो है वो नहीं जाना चाहिए. सो सारे रिस्ट्रिक्शंस मानते हुए यू हैव टू मेक श्योर दैट यू प्ले द गेम. सो नाउ कमिंग टू एंड गेम स्कोरिंग. अभी एंड गेम में आपका जो खुद का किंगडम है वो कुछ ऐसा दिखेगा. ब्यूटीफुल आपका 5x5 जो मैं बीच में मेंशन कर रहा था, 1-2-3-4-5 एंड 1-2-3-4-5, वैसे आपका किंगडम दिखेगा और आपने बहुत अच्छे से साइड बाय साइड वो लगाए होंगे. नाउ द स्कोरिंग रूल्स से कि जो भी आपके एक कलर के पैचेस है वो आपको नंबर ऑफ ये जो है पैचेस वो काउंट करने हैं, और आपको उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ क्राउन्स में जो यहाँ पे दिखाए हुए हैं वो पैच के अंदर है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग अभी ये पिंक प्लेयर का जो है वो स्कोरिंग कैलकुलेट करें, तो स्कोरिंग कुछ ऐसा होगा. नाउ स्टार्टिंग विद द टॉप लेफ्ट, हम लोग पहले देखेंगे कि कौन सा एक टेरिटरी के एक जैसे कितने हैं. सो अभी जो फॉरेस्ट है, जो डार्क ग्रीन का टेरिटरी है, वो इसमें देयर इज 1-2-3-4. ना अभी उसको वो टेरिटरी में जितने क्राउन है उससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. सो दैट इज 1-2-3-4 into 1-2-3-4. सो हो गया है 16. बट वी विल नॉट स्टॉप देयर, वी विल ऑल्सो कंटिन्यू काउंटिंग ऑल द अदर टेरिटरीज. 2 into 2 that which is 4, 4 for the light green territory. So 4 plus 16 is 20. 3 into 1, so that is 3 points. So 23. देन ये जो एक सिंगल टेरिटरी है उसका कोई भी पॉइंट कैलकुलेट नहीं होगा, बिकॉज ये है तो 1, पर ये टेरिटरी में कोई ग्राउंड नहीं है. सो इसीलिए उसमें 0 पॉइंट होगा. सो राइट नाउ वी आर ऑन 23. दिस इज 2 into 2, सो 4, दैट इज 27. दिस इज 1 into 0, सो 0 पॉइंट फॉर दैट. दिस इज 2 into 4, सो 8. 27 प्लस 8 इज 35 पॉइंट. ऑलराइट, नाउ 35 प्लस, नाउ वी विल कैलकुलेट दिस मैसिव येलो टेरिटरी. ओके, सो वी विल कैलकुलेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. बट 9 ओनली इनटू 1, बिकॉज ये पूरे टेरिटरी में सिर्फ एक ही क्राउन है. ओके, सो 35 प्लस 9 इज 44. हाउएवर देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड एज एन एंड गेम बोनस. नाउ एंड गेम्स बोनस गेम रूल में ये बोलता है
कि अगर आपका कासल एकदम सेंटर में है, आपके 5x5 टेरिटरी के एकदम ही सेंटर में आता है, तो आपको 10 एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं। सो वो एक बोनस लेने लायक है, बट उसके लिए आपको थोड़ा प्री प्लानिंग बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। सेकेंड बोनस रूल से, अगर आपका जो 5x5 टेरिटरी पूरा कंप्लीट हो गया है विदाउट एनी होल, अगर आपने इसको अच्छे से लगाया है और आपका पूरा मैच हो रहा है, सो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, और उसके बाद जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट होते हैं वो जीत जाता है। ये है स्कोरिंग एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ येलो प्लेयर ने इतना अच्छा नहीं खेला है और उन्होंने ज्यादा मैच नहीं किए हैं, एक जो है वो एक्स्ट्रा उन्होंने नहीं डाला है और दे कुड नॉट पुट इट एनीवेयर, सो दैट्स व्हाई उन लोग का डिस्कार्ड करना पड़ा है। नाउ कमिंग टू स्कोरिंग ऑफ द येलो प्लेयर, नाउ द फर्स्ट थिंग व्हाट वी कैन नोटिस, यहाँ पे जो ये सबसे बड़ा वाला येलो कलर का जो पैच है उसमें कोई क्राउन नहीं है, तो उसके येलो प्लेयर को 0 पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पे 1 ब्लैक है और उसमें 3 क्राउन, सो दिस इज 1 × 3 3 पॉइंट्स। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऑफ डार्क ग्रीन इंटू 1, सो दैट इज 4 मोर पॉइंट, दिस इज 1 × 1, सो दैट इज 8 पॉइंट्स टोटल, दिस इज 2 × 1, क्योंकि इवन दो द पैचेस आर देयर बट ये अलग अलग पैचेस, तो उसका स्कोरिंग भी अलग अलग होगा, सो 8 × 2 वो 10 पॉइंट्स हो जाएगा। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 जो ब्लू है और इसका इंटू 1 हो जाएगा, सो 4, सो दैट इज 14 पॉइंट्स प्लस 1, सो दैट इज 15 पॉइंट्स। यहाँ पे 2 × 4, सो दैट इज 8 पॉइंट्स एक्स्ट्रा। हाउएवर इफ यू वुड हैव नोटिस्ड, उनको जो बोनस पॉइंट्स है वो नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट थिंग इज कि उनका कासल सेंटर में नहीं है, तो उन्होंने वहां पे 10 पॉइंट्स का लॉस हो गया, और सेकंड चीज है कि उनका 5x5 जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। रिमेंबर शी हैड टू डिस्कार्ड वन थिंग, सो बिकॉज शी हैड टू डिस्कार्ड, उनको जो एक्स्ट्रा जो 5 पॉइंट्स है वो भी नहीं मिले। अच्छा लगा, अगर इसको खेलना है तो आ जाओ मेरे बोर्ड गेम कैफे में चाय एंड गेम्स करके मुंबई में, वहां पे आप ये और ऐसे बहुत सारे नए नए गेम्स खेल सकते हो। और अगर और हाउ टू प्ले वीडियोस चाहिए तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @ चाय गेमर, और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करो @ चाय एंड गेम्स टू वॉच मोर यू नो स्टफ, एंड लेट मी नो और कौन सा रिव्यू करना है।